आज आप मुझे नए दिख रहे हैं इस क्लास में, आपका तारुफ हो जाए। हाँ तो आपको कोई जानते हैं? नहीं तो मोहम्मद जुबेर चन्ना, इनसे तारुफ हो गया। तो आपको भी मेरी बता देते हैं, हमें भी नहीं बता। मैं भी अपना तारुफ करवा देता हूँ। सईद अहमद नाम है मेरा और आपके इस मदरसे में जामिया में मैं सरफुना अरबी ग्रामर पढ़ाने आया हूँ। आप लोग कैसे हैं? सब ठीक ठाक है? सब खैरियत से हैं? शुक्र है। बेटा आप मुझे सुस्त दिख रहे हैं। ठीक है जी जी। अच्छा नाश्ता किया है? आज हम बात करते हैं इसमें इशारा के बारे में। इसमें इशारा, इशारा करने के लिए हम उमूमन जो है उर्दू में कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, कोई बताएगा मुझे? इशारा करने के लिए उर्दू में हम क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? सिंधी में बताओ। हाँ सिंधी में बताएं। वो ठीक है, उर्दू में कोई बताए? ये वो ये मैं इशारा नहीं, मैं इशारे के लिए इस्तेमाल करता हूँ। ये जैसे हम ये देखें उर्दू में वो ये, आप इसको क्या कहेंगे? ये गिलास है, ये गिलास। आप कहेंगे ये गिलास, क्या कहते हैं? ये गिलास, ये गिलास। इसी को जब हम अरबी में कन्वर्ट करते हैं, उसे अरबी में ले आते हैं, तो उसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। गौर से सुनिएगा, हाजा। क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? हाजा, हाजा। और अगर इस गिलास को हम दो कर दें तो ये हो जाएगा हाजान। क्या हो जाएगा? हाजान। दो हो जाएंगे तो हाजान, क्या हो जाएंगे? हाजान। अच्छा अब अगर इसके साथ एक और मिला लें, ये हो जाएंगे तीन। कितने हो जाएंगे? तीन। और इसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे, जो लफ्ज इस्तेमाल करेंगे वो हो जाएगा हाउला। क्या हो जाएगा? हाउला। क्या हो जाएगा? हाउला। तीन के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल होता है? हाउला। बिल्कुल अच्छा, ये हो जाएगा। ये आपने समझ लिया सब लोगों ने? जी। सब यहाँ तक किसी को कोई चीज समझ में ना आई हो? सबको आगे अच्छा, ये जो अल्फाज तीनों मैंने जिक्र किए ये मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होते हैं। किस चीज के लिए? मुजक्कर के। अगर जी मुजक्कर क्या है? मुजक्कर वो होता है यानी जिसमें जैसे मर्द है फिर औरत। अरबी में इसके लिए थोड़ा सा फर्क भी होता है, जिसमें ताए तारीस मौजूद ना हो। नर बोल जो ता देखी आपने, इफ्रातुन में जैसे है ना, तलहा के साथ जो ता लगी हुई है ये ताए तानीस होती है, जिसमें ना हो तो वो मुअन्नस की मुज़क्कर होता है। ठीक, नर नर से। अच्छा अब मुअन्नस के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो है हाजिही। कौन सा लफ्ज है? हाजिही। जैसे अब हम इसको ना सेट करते हैं हाथों पे, अगर मैं ये वाला हाथ इस्तेमाल करूं तो आप समझिए ये मुअन्नस के लिए है, और अगर दो का इशारा कर रहा हूं मैं, आप इसके साथ मेरे साथ बताइएगा कि क्या है। ठीक, ये मुज़क्कर के लिए है और ये मुअन्नस के लिए। एक करूंगा तो इशारे के लिए बताइएगा। अब एक दफा फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, हाजी ही इस्तेमाल होगा एक के लिए, हातान इस्तेमाल होगा दो के लिए, हाउला इस्तेमाल होगा सब के लिए, यानी कि दो से ज्यादा के लिए। ठीक है, ये सेट हो गया बाएं हाथ पे, और हम सेट करते हैं मुजक्कर को दाएं हाथ। ठीक है, अब आप मुझे बताइएगा, जो जिस बच्चे को आए वो मुझे बता दे। ठीक है, हाथ ये मैंने इस हाथ पे मुजक्कर सेट किया है, लेकिन अच्छी कोशिश की, कोई बात नहीं, अच्छी कोशिश है। सर आपने हाथ कहाँ पे बाया था ये इशारा बताइए, वो अपोजिट बैठे हैं ना, बात हो एक ही। आप गलत समझे। ठीक है जी, आप बताएं। हाजान। हाजान, गुड। हाउलान। हाउलान। हाउलान, बहुत अच्छे। तो सबने माशाल्लाह समझ लिया, बहुत अच्छे। इंशाल्लाह ये जो है कल इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये इशारा करीब के लिए था ना, जैसे हमने बताया ये। अब हम कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे वो, यानी जो दूर के इशारे के लिए कौन से अल्फाज अरबी में इस्तेमाल होते हैं, कल इंशाल्लाह हम उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक काम है, आप लोग कम अज कम तीन मुअन्नस के लिए और तीन मुज़क्कर के लिए जो ना मिसालें घर से लिख कर लाएंगे,
اور اگر کوئی بچہ پیراگراف لکھ کر لایا جس میں یہ مذکر اور مؤنث استعمال ہے تو کیا ہی بات ہے, اس کو ہماری طرف سے 3 اسٹار ملیں گے اور ہو سکتا ہے کچھ انعام بھی دیں گے. ٹھیک ہے, اشارہ اسم ہے. یہ کل انشاءاللہ جب ہم دوبارہ آئیں گے تو کل اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ اب دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں, کل جو آپ ہوم ورک کریں گے اس میں آپ کو ہیلپ فل ہوگا, مددگار ہوگا. دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, ایک مذکر کے لیے آزاد, دو مذکر کے لیے آزان, اور دو سے زائد کے لیے ہاؤلا, ایک مونس کے لیے حاضری, ہاتانی اور ہاؤلا. یہ ہو گئے, سمجھ میں سب لوگوں کو آ گئے؟ کوئی سوال کسی کو سمجھ میں نہ آیا ہو؟ ٹھیک ہے, کل ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.